किसी भी देश की ख्वाहिश होती है कि वो आधुनिकता की दौड़ में सबसे आगे रहे, और बात अगर तकनीक की कर ली जाए तो उसको लेकर हर देश लगातार प्रयासरत रहता है। लेकिन अगर आधुनिकता की दौड़ में अव्वल आने की ख्वाहिश के लिए कोई देश मस्खरी का केंद्र बन जाए तो उसे पाकिस्तान कहते हैं। जी हाँ, दरअसल पाकिस्तान की तरफ से किसी नई खोज की उम्मीद करना बेमानी है। हाँ, ये जरूर है कि पाकिस्तान की तरफ से बेतुका बयान या फिर फैसले जरूर देखने को मिल जाए। एक ऐसे ही बयान ने पाकिस्तान की जमकर खिल्ली उड़वा दी है। आज हम अपने इस वीडियो में पाकिस्तान का वही कारनामा दिखाने जा रहे हैं जिसके बाद हर कोई पाकिस्तान की हंसी उड़ा रहा है। बस आप बने रहिए वीडियो के आखिर तक। पाकिस्तान की तरफ से आया एक बयान, उड़ने लगी पाकिस्तान की खिल्ली। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बारे में हर कोई जानता है, जो अपने बेतुके बयान और फैसलों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। जैसे गधों के सहारे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने का फैसला लेना हो, या फिर बेकार खड़ी गाड़ियों के दम पर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का ख्वाब देखना हो। लेकिन इस बार जो कारनामा किया है वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने नहीं किया, बल्कि उनके एक मंत्री ने किया है, जिसके बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान की खिल्ली उड़ाई जा रही है। ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपने बेतुके बयानों के चलते चर्चा में बने रहते हैं। लेकिन इस मामले में पड़ोसी मुल्क के अन्य नेता भी पीछे नहीं हैं। यहाँ की सिंध सरकार के मंत्री ने ऐसी बात कही है जिस पर खुद पाकिस्तान के लोगों को विश्वास नहीं है। उन्होंने गूगल्स मैप में सिंध सरकार की अहम भूमिका के बारे में बताया है। सिंध के आईटी मंत्री तैमूर तालपुरा ने कहा कि उनकी सरकार ने गूगल मैप्स में लाल और सफ़ेद ट्रैफिक लाइन विकसित की है। ये ऐसा दावा है जिस पर किसी की भी हंसी छूट जाए। तालपुर ने कहा कि हमारी सरकार ने मैप्स में वो लाइन विकसित की है और गूगल इंक को सौंपी है। इसके बाद मंत्री ने कहा कि न केवल आम नागरिक बल्कि गूगल इंक वालों को भी इससे फायदा हो रहा है। यहाँ विधानसभा में अपने भाषण के दौरान तालपुर ने कहा कि सिंध सरकार ने इस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को तैयार किया है। उनकी ये बात सुनकर वहाँ मौजूद लोग हंसने लग जाते हैं। मंत्री तैमूर के दावे की जमकर उड़ रही खिल्ली। दरअसल कहने को तो तैमूर तालपुर सिंध सरकार में आईटी मंत्री है, लेकिन आईटी का आई तक उनको पता नहीं है। बस जो जुबान पर आया वो बोल दिया। तभी तो एक बेतुके बयान के बाद दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान में उनकी फजीहत हो रही है। दरअसल जो बयान तैमूर तालपुरा ने दिया है उसका वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा और सुना जा सकता है कि तैमूर तालपुरा कहते हैं, जब आप ट्रैफिक के बारे में गूगल करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके रास्ते में कहाँ ट्रैफिक है, कहाँ रेड लाइन है और कहाँ व्हाइट लाइन है, और ये सिस्टम सिंध सरकार ने विकसित किया है। ये भी सिंध सरकार ने बनाकर उनको दिया है, जिसके जरिए गूगल भी फायदा उठा रहा है। अपने भाषण को खत्म करते हुए विपक्ष से कहते हैं कि वो भी इस सिस्टम का लाभ उठाएं। सोशल मीडिया पर मंत्री के भाषण का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है और लोग इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक यूजर ने कहा, शुक्र है भाई साहब ने ये नहीं बोला कि गूगल भी सिंध आईटी ने बनाया है। एक अन्य यूजर ने सुंदर पिचाई की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, सच यहाँ सुंदर पिचाई की तस्वीर है, ये सिंध सरकार से ट्रैफिक डेटा लेकर उसे गूगल मैप्स को भेज रहे हैं। वहीं एक यूजर ने कहा, पाकिस्तान द्वारा की गई एक और शानदार खोज उस आविष्कार के बारे में जिसमें कहा गया था कि गाड़ियां पानी पर चलती हैं। बाकी कुछ यूजर्स ने हंसते हुए इमोजी शेयर किए हैं तो कुछ ने सुंदर पिचाई की तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं।